तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पता होगा गूगल का एक फाइल मैनेजर आता है जिसका नाम है फाइल को, उसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है सेव मोड। तो सेव मोड में क्या होता है, क्या होने वाला है, उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। बेसिक डिटेल दे देता हूँ मैं क्या है। सेव मोड के अंदर उन्होंने एक नया ऑप्शन निकाला, उसके अंदर आप फाइल, वीडियोज़ या कोई भी अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट आप उसको हिडन कर सकते हैं, बट उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक पिन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आप बनाएंगे अपना, तो उससे आप उसको एक्सेस कर पाएंगे इजीली। इससे आप उसको कहीं से किसी से भी छुपा सकते हैं। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ, उस फीचर को कैसे ऑन करेंगे और क्या क्या फीचर्स में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स में। तो दोस्तों उसको ले करना क्या है, आपको कर लेना है अपने मोबाइल को, मोबाइल में आपको गूगल फाइल को डाउनलोड, जो कि बीटा वर्जन पर डाउनलोड होना चाहिए, जो कि मैंने करके रखा हुआ है। उसके बाद करना क्या है, आपको करना है उसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको जाना है ये ब्राउज वाले फीचर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्राउज लिखा हुआ है नीचे, आपको जाना है इस फीचर में, ब्राउज में। वहाँ जाने के बाद आपको दिखेगा, ये देखिए नीचे सेव मोड का ऑप्शन जो दिख रहा है, आपको उस पर करना है सेव मोड पे क्लिक। यहाँ पर आप अगर फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको यहाँ पर बोलेगा पासवर्ड बनाने के लिए, तो आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, दो की दो बार बना के आपको डालना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है उस चीज़ पे जिसको आपको हाइड करना है या सेव करना है। लाइक मैं यहाँ जाता हूँ कोई भी इमेज पे, जैसे मेरी इमेज दिख रही है आपको, मुझे करना है इसको हाइड, तो मैंने इसको उस पर क्लिक करा। एंड देन आपको यहाँ थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ थ्री डॉट्स पे जाने के बाद इसको कर देना है मूव टू सेव फोल्डर, आप देख रहे हैं लिखा हुआ। देन आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है जो कि डला हुआ है, आपने पिन बनाया है, तो आपको पिन दोनों टाइम डालना है। जब आपको फ़ोटो को सेव मोड पे डालना है तो भी डालना है, एंड देन आपको वहाँ देखने जाना है तो भी डालना है, तो आपको हर बार डालना पड़ेगा। तो ये हो गई फ़ोटो। अगर आपको कोई वीडियो डालना है तो आपको वीडियो पे जाके आपको उस वीडियो पे क्लिक करना रहेगा, देन आपको यहाँ पर करना रहेगा मूव टू सेव फोल्डर। तो वापस वही सेम मेथड है, आपको यहाँ भी अपना पिन डालना पड़ेगा एंड देन वो वहाँ पर सेव मोड पे चले जाएगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको वापस आना है होम पेज पे, देन यहाँ पर आपको सेव मोड का जो आइकन दिख रहा है इस पे जाना है, अपना पिन डालना जो आपने बनाया है, पिन को डालने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। देन आपको यहाँ पर आपको दिख गया है जो आपने सेव मोड पे डाली है इमेज या वीडियो, आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको इसको वापस अपने सेव मोड से निकालना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन मूव आउट टू कर देना है। मूव आउट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, मूव आउट टू ऑफ सेव फोल्डर आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको करना है उस पर क्लिक एंड देन वो आउट हो जाएगा, मूव आउट आप देख सकते हैं, आपको उस पर क्लिक कर देना है, तो ये मूव आउट वहाँ से हो जाएगा एंड देन यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सेविंग मोड है, इसका आप कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते, स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते इसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें दी गई। अगर आपको करना है, आप क्लिक करके रखना है इकट्ठे, तो उसको यहाँ से कर सकते हैं मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर, तो ये यहाँ से चले जाएगा वापस अपनी लोकेशन पे। आप चाहे अपने डॉक्यूमेंट्स भी करना चाहें तो डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स को, जो भी डॉक्यूमेंट्स को डालना है उस पर यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहीं से करना है मूव टू सेव फोल्डर, अपना पिन डालना है, पिन डालने के बाद आपको वापस वो वहाँ पर चला जाएगा। आप देखेंगे जाके सेव मोड पे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि वो आपका आ चुका है जो भी आपने सेव मोड पे डाला है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, डालने के लिए भी आपको वो चाहिए रहेगा, पासवर्ड पिन डालना पड़ेगा एंड देन आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपको उसका पिन चेंज करना हो सेव मोड का, उसके लिए आपको जाना है यहाँ थ्री डॉट थ्री लाइन्स में सेटिंग्स में, देन आपको यहाँ पर मिल रहा है सेव फोल्डर, सेव फोल्डर पर जाना है। चेंज पिन का ऑप्शन सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, चेंज पिन पे जाना है आपको, अपना करेंट पासवर्ड डालना है, देन न्यू पासवर्ड से आप उसको इजीली चेंज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर डालना है अपना करेंट पिन, करेंट पिन के बाद अपना नया पिन जो आप बनाना चाहते हैं, देन ये चेंज हो गया है, यहाँ पर ओके आ गया, रिमेंबर का ऑप्शन दे दिया उन्होंने और ये पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो बहुत ही इजी मेथड है, आप इसको चेंज कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।